हे फूडीज, नई और यम्मी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल केजीज किचन को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस पहले देखने के लिए बेल बटन को प्रेस करें। फ्रेंड्स, आज हम पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे जो पिज़्ज़ा के अलावा भी कई इटालियन रेसिपीज़ में काम आता है, जैसे कि पिज़्ज़ा पराठा, ब्रेड पिज़्ज़ा या और भी कई पिज़्ज़ा रेसिपीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना पिज़्ज़ा सॉस। सॉस बनाने के लिए हम एक पैन में पानी गर्म करने रखेंगे और यहाँ पर मैंने देखिए टमाटर लिया है, एकदम राइप सा टमाटर है। उसके नीचे के हिस्से पर मैंने इस तरह से चार कट लगाए हैं, चार पांच बड़े टमाटर लिए हैं मैंने जो बहुत ही अच्छे पके हुए हैं। अब ढक्कन लगाकर अब हम इन टमाटरों को बॉईल होने देंगे। ये देखिए हमारे टमाटर बॉईल हो चुके हैं क्योंकि इनका छिलका निकलने लग गया है। अब हम इन्हें पानी में से निकाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे और इनको हम ठंडा होने देंगे। इनका हम छिलका निकाल देंगे इसी तरीके से और इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसकी अच्छी सी प्योरी बना देंगे। अब हम एक पैन के अंदर 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लेंगे और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ग्रेटेड गार्लिक लिया है और अब हम इसे अच्छे से भून देंगे ताकि गार्लिक की स्मेल जो होती है कच्ची वो निकल जाए। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच चॉप कैप्सिकम ली है, ये ऑप्शनल है लेकिन पिज़्ज़ा सॉस में इसका क्रंची टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो आप इसे डालिए, नहीं तो ऑप्शनल है ये। और इसको हम अच्छे से इस गार्लिक के साथ में भून देंगे। यहाँ पर मैंने टमाटर की जो प्योरी बनाई थी वो डाली है और इसे अच्छे से हम इसके साथ में मिक्स कर देंगे ताकि इनका टेस्ट अच्छे से आ जाए। और अब हम मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप लिया है, यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली है 1 चम्मच, यहाँ पर नमक डाला है स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर डाली है 1/2 चम्मच। आपको स्पाइसनेस कम पसंद है तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा की सीजनिंग डाली है जो सारे मिक्स हर्ब्स होते हैं और यहाँ पर मैंने ओरिगेनो डाला है 1 चम्मच और यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स 1 चम्मच शक्कर डाली है और 1 चम्मच ही यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स भी डाला है। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से टमाटर सॉस के साथ में मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनको कवर करके 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमें इनको कुक करना है ताकि ये एकदम से गाढ़ा हो जाए। ये देखिए और इसका अच्छा सा कलर भी आ गया है। आप इसमें टमाटर प्योरी के अलावा टोमेटो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छा कलर भी देता है, जो बाज़ार में मिलता है बना हुआ टमाटर पेस्ट। अभी ये देखिए हमारा पेस्ट अच्छे से गाढ़ा हो गया है और ये पिज़्ज़ा सॉस बन के तैयार हो गया है। तो आप भी बनाइए अपने घर पे और बताइए कैसी लगी आपको रेसिपी। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।